आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना, मजा नहीं आ रहा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरा नाम है राकेश कुमार, मैं अपने और हमारे चैनल आरके वेब में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको मोदी जी के कुछ फनी मोमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मजा आएगा ना वीडियो। जी हम फ्रेंड्स, मोदी जी हमेशा झूठे वादों के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो इंडिया का जो हमें बजट आया था 7 दिन पहले, उसके अंदर मोदी जी ने ये कहा था कि जो देश के अंदर जो हमें बजट है वो 3 गुना एक्स्ट्रा बढ़ गया है। जब पिछली सरकार का आखिरी बजट आया था वो 16 लाख करोड़ रुपए का था, अरे देवा, 3 गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। नहीं जो देश के अंदर जो महंगाई है वो कम हो गई। क्या फ्रेंड्स आपको लगता है कि देश के अंदर जो महंगाई है वो अभी जो महंगाई की मार है वो कम हो चुकी है? समझ रहे हो आप, समझ रहे हो फ्रेंड्स, ये देखिए पहले वाले वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, पहले जो सरकार थी मनमोहन सरकार, उसके अंदर जो यहाँ पे बजट जो वैल्यू था वो 16 लाख करोड़ रुपए था। रेलवे का बजट 8 गुना बढ़ाया है। रुको जरा, सबर करो। जो अभी यहाँ पे बजट बढ़ा कि 48 लाख करोड़ हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ झूठे वादे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के अंदर यानी 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा बजट हुआ है। तो खत्म। तो फ्रेंड्स आपको हमेशा और यानी जनता को झूठे वादों के द्वारा हमेशा सरकार फंसाते रहती है। तो अरे कहना क्या चाहते हो फ्रेंड्स, इस प्रकार से झूठे वादे हमेशा जनता को गुमराह करते रहते हैं। तो इनका ये कहना है कि जो यहाँ पे कांग्रेस सरकार थी उन्होंने देश को यहाँ पे बर्बाद किया है। फ्रेंड्स इसी प्रकार यहाँ पे मोदी सरकार हमेशा जनता को गुमराह करती रहती है, गजब बेइज्जती है। फ्रेंड्स दूसरे वीडियो के अंदर ये देख सकते हैं कि यहाँ पे राहुल गांधी ये कह रहे थे कि देश के अंदर जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है वो मेड इन चाइना होता है। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना, परंतु मोदी जी ने यह कहा कि देश के अंदर जो भी अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इंडिया से होती है, परंतु आज भी देख सकते हो कि सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान अभी भी चाइना से यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं। ज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे, अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं लोग। मोदी जी हमेशा ये बोलते हैं कि देश के अंदर सारा मैन्युफैक्चरिंग अभी इंडिया से ही होने लगा है, परंतु ऐसा कुछ नहीं, अभी भी इंडिया सारा सामान, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो चाइना से इंपोर्ट करता रहता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से झूठे यहाँ पे वादे हमेशा जनता को देते रहते हैं। बाय बाय टाटा, उनका दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। सो फ्रेंड्स तीसरा उन्होंने ये बताया कि जो देश के अंदर जो छोटे उद्योग है उनका जो मुनाफा 1 करोड़ रुपए है उनके ऊपर यहाँ पे एक्स्ट्रा पे आउट देने के लिए भी बोला गया, परंतु फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। हर प्रस्ताव में कहीं ना कहीं मोदी जी की चाल होती है, कहीं ना कहीं जनता को फंसाया जाता है। कोई भी वादा नहीं जो देश के अंदर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन सिर्फ अमीरों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बंदा 1500 या 2000 रुपए देने से ज्यादा यहाँ पे नहीं दे सकता है, और ये सिर्फ अमीरों वाले ट्रेन है। अमीरों वाले ट्रेन के लिए जो एक्स्ट्रा किराया लगता है वो सिर्फ अमीर अफोर्ड कर सकते हैं। एक सामान्य जनता के लिए हमेशा जनरल डिब्बा या स्लीपर क्लास चाहिए, परंतु ऐसा कभी भी ऐसा ट्रेन में नहीं होता है कि स्लीपर क्लास या जनरल डिब्बा पढ़ाया जाता है, हमेशा एसी डिब्बो की मांग की जाती है। फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है? आपका क्या कहना है इस नई सरकार के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देश के अंदर जो फैल रही अर्थव्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है इस कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।